हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लास्ट रिवीजन क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म करा था, उससे रिलेटेड आपके बुक के टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, जो कि आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। और ये क्लासेस जो है उसी स्टूडेंट को देखो, मैं क्योंकि इसमें थोड़ा स्पीड लेके चलूंगा, एक एक दिन में एक एक टॉपिक होगा, तीन दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, तो उसके हिसाब से आपको पहले प्रैक्टिस करके आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है हमारा? सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जो हमारा फंड होता है ना, ये दो तरीके का है, एक होता है हमारा जर्नल फंड, एक होता है स्पेशल फंड। फंड क्यों दिया जाता है? नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अर्निंग का सोर्स बेसिकली सब्सक्रिप्शन होता है, और इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, मेन होता है लोगों को, सोसाइटी को, या फिर सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनके पास फंड की जरूरत पड़ती है, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर हेल्प करेगा तो ऐसा तो है नहीं, अगर अच्छा काम कर रहा है तो फ्री में होगा, उसके लिए भी पैसे तो लगना ही लगना है। और एक इसका रेगुलर इनकम होता है। एनजीओ के दो इनकम के सोर्स होते हैं, एक रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम इसका क्या माना जाता है? सब्सक्रिप्शन, जिसका कि हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसका दूसरा इनकम के सोर्स करते हैं फंड। फंड क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन तो रेगुलर मेंबर होते हैं इनके, जो जुड़े हुए होते हैं इनसे, वो ट्रस्टी भी होते हैं कई बार, वो तो रेगुलर इनकम देते हैं। जैसे आप कई बार हॉस्पिटल में जाओगे तो अगर आपका ज्यादा बिल बन रहा हो हॉस्पिटल का, तो उस हॉस्पिटल में सबसे पहले जाके पूछना ट्रस्टी का रूम कहाँ है, और ट्रस्टी के रूम में जाके अगर आप बोलते हो कि सर हमारा बिल बहुत ज्यादा बन गया हॉस्पिटल में और हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे, तो 10-15% कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर देता है ट्रस्टी वगैरह। तो जो ट्रस्टी होता है वो मेंबर होते हैं बेसिकली, और वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो वो किस लिए जुड़े हुए होते हैं? ताकि लोगों की भलाई कर पाए। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? कोई अगर पर्सन आएगा, आता जाता कोई भी पर्सन आया, आके उसने देखा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बार में इकट्ठा पैसा देके चला गया, और उसको फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता बेसिकली। और जो सब्सक्रिप्शन देते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की सारी बातों से लेना देना होता है। इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमें अगर एग्जाम्पल दूं, कौन देके जाता है, जैसे कोई एक्टर्स हो गया, एक्ट्रेस हो गई, या कोई लीडर हो गया आपका, या कोई बिजनेसमैन हो गया, तो उसने क्या देखा कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मतलब पैसे दे देते हैं। जब पैसे दिए जाते हैं तो जैसे कोई मान लो शाहरुख खान इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्ट मतलब डोनेशन देना चाहता है, बेसिकली डोनेशन ही है फंड ये, तो जो डोनेशन देना चाह रहा है तो शाहरुख खान ने कुछ देख के ही तो डोनेशन देने की सोची होगी इसमें। अगर कोई स्कूल है तो स्कूल की कंडीशन बेकार है इसलिए डोनेशन देना चाहते हैं, या फिर स्कूल है, स्कूल में सब कुछ वेल है, जो पर्सन है वो इतना अच्छा काम कर रहा है इसलिए डोनेशन देना चाहते हैं। तो दोनों में फर्क है। एक डोनेशन शाहरुख खान ने जो देगा, स्कूल की कंडीशन खराब है तो वो स्पेशल पर्पस के लिए देगा, भाई आपके स्कूल बहुत बेकार कंडीशन में है, यहाँ पे आप डेस्क लगवा लो, यहाँ पे बिल्डिंग बनवा लो, यहाँ पे स्मार्ट क्लास लगवा लो, इस तरीके से बोलेगा। और दूसरा ये बहुत अच्छा है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सोच रहा है कि मन कर रहा है कि भलाई करूं, तो वो जाएगा स्कूल वालों को बोलेगा ये लो 1 करोड़ रुपए और आप अपना जो भी है यूज करना, तो वो जनरल डोनेशन हो गया। तो दोनों में फर्क है, स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन, इसी को मैंने नाम बोला है स्पेशल फंड और जनरल फंड। फंड और डोनेशन एक ही चीज है, इसको अलग अलग आप कोऑर्डिनेट मत करना। तो अब बेसिकली हमारे पास अगर फंड की बात करें, डोनेशन की बात करें, दो है, एक जर्नल फंड है, एक स्पेशल फंड। तो कौन दे रहा है वो डिपेंड करेगा, किस पर्पस के लिए दे रहा है ये डिपेंड करेगा। सबसे पहले अगर जर्नल फंड आपको मिलता है तो ये तो हमारा पार्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। लेकिन सेम अगर आपको स्पेशल फंड मिलता है तो ये पार्ट माना जाता है लायबिलिटी का। ऐसा क्यों?
देखो जनरल फंड पे जो मिलता है हमें उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, तो वो जहां मर्जी खर्च कर दे, मर्जी है उसकी। लेकिन स्पेशल वाला जो दिया था वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया था, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए ही खर्च होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा फंड का मतलब क्या है, डोनेशन। और फंड दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा जर्नल और एक हो सकता है हमारा स्पेशल। समझ में आ रहा है ये दो पॉइंट। अब जर्नल फंड का इस्तेमाल की मैं बात करूंगा, कैसे यूजेस होगा जर्नल फंड की। अगर मैं यूज की बोलूं तो एक हो सकता है हम जर्नल फंड उसने दे तो दिया, मेरा स्कूल है, शाहरुख खान ने देखा कि उसके पास ज्यादा पैसे हो रहे हैं, उसने सोचा कि यार कुछ करूं, भलाई करूं, भलाई करूं, मुझे 1 करोड़ रुपए दे गया, 1 करोड़ रुपए दे गया। अब स्कूल वाले ने बोला यार 1 करोड़ रुपए दे गया, इसका क्या करे, कुछ स्कूल बना हुआ है, स्मार्ट क्लासेस है, बच्चों के पास सब कुछ है, दे गया डोनेशन, तो वो बैंक में एफडी करा देगा कि भाई डोनेशन है तो जब मर्जी यूज करेंगे, स्पेशल पर्पस नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा दे गया इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो जनरल डोनेशन ही होगा इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम पता ही क्या करेंगे, उसका यूज है कि नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा यूज। पहले मैं बताता हूं, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यूज करेंगे, तो यूज दो टर्म्स में हो सकते हैं आपके। आपको मिला 1 करोड़ और आपने खर्च कर दिया 80 लाख, या पूरा 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। दूसरा हो सकता है आपका 1 करोड़ मिला और आपने 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास उस पर्पस के लिए, जनरल डोनेशन जो भी मिला है। तो अगर आपको जनरल डोनेशन मिला तो आप खर्च कहीं मर्जी करो, कोई मतलब नहीं है। यूज करोगे तो सिंपल यूज जो होगा आपका जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या माना जाएगा, इनकम। क्या माना जाएगा, ये इनकम माना जाएगा। जब आप इस इन्वेस्टमेंट को यूज फंड को आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यूज करोगे, कहां यूज करना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहां पे नो इंफॉर्मेशन गिवन। इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो कहां यूज हो रहा है आपको कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए कि कहां यूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तब वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया है। इन्वेस्टमेंट करेगा तो सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट पे इनकम भी आएगा हमारा। मान लो मैंने एफडी करा दिया तो उस एफडी से मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो देखो ये एक तो हमारा चला जाएगा कहां, इनकम साइड में, क्योंकि जर्नल है ये, इसलिए कहां गया इन। अब इस पैसे को जब हम रिसीव करेंगे तो आप मुझे सिंपल बताना, मुझे शाहरुख खान ने 1 करोड़ रुपए दिए और वो जनरल डोनेशन है, तो एक तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड लिखूंगा, डोनेशन 1 करोड़ रुपए, और दूसरा बैलेंस शीट में कहां आएगा, ये पैसा दिया है तो कैश या बैंक में आएगा, 1 CR। दोनों मैच हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट। अब जब इसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये वाला खाली हो जाएगा मेरा, कैश तो खत्म होगा क्योंकि कैश ही तो बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा, एफडी आ गया, इन्वेस्टमेंट नाम दे दिया मैंने। तो जब हम कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तो एसेट में आ जाएगा, एक एसेट में आ जाएगा, इनकम तो है ही है, एक एसेट्स में आएगा और उसका इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट कहां जाएगा। ये बहुत एमसीक्यू में ना बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहां जाएगा ये, इसका इंटरेस्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है ना, जनरली होता क्या है किसी फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो उसी फंड में जुड़ जाता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ध्यान रखना कौन से फंड का, जर्नल फंड का। ठीक है, तो हमारा दो फंड है, एक है जनरल फंड एक है स्पेशल फंड। जनरल फंड के अंदर क्या हो सकता है, या तो आप यूज करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप यूज करते हो तो आपको कोई चिंता नहीं करना कहां यूज हुआ, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिख देना होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक तो एसेट्स में जाएगा, और अगर उस एसेट से इनकम जनरेट हुआ तो वो इनकम कहां चले जाएगा हमारा, वो इनकम चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। अब मुझे बताना, मान लो मैंने ये एफडी करा और ये 1 करोड़ रुपए का एफडी है, इस पे 1 लाख रुपए का ब्याज आया,
तो एक ब्याज तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन एफडी, और दूसरा बताओ कहां गया होगा। ये डबल एंट्री करते हैं ना मैं दोनों, कुछ बैंक वाले जितने भी एस्पेक्ट है ना एनपीओ के अंदर वो हिडन रहता है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना होता, आपको पता ही नहीं होता कि बैंक वाला एस्पेक्ट भी है, लेकिन वो पहले से ही इंक्लूडेड होता है, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, देखो जैसे आपने बोला कि सर डोनेशन मिला, मैंने बोला कैश मिल गया, एफडी करा तो ये खत्म हो गया, ये इस पर तो थोड़ी ना फर्क पड़ा। अब इस पर ब्याज मिला 1 लाख और मैंने इनकम में डाल दिया, दूसरा कहाँ चले जाएगा, ये कैश में। ऐसा होता है, लेकिन कैश वाले एस्पेक्ट को आपको डिस्कशन नहीं करना, कैश वाले एस्पेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हमारा है एनपीओ के अंदर, जब आपको क्या गिवन हो, जनरल फंड, नो इन्फॉर्मेशन में कोई चिंता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के केस में एसेट्स, और इंटरेस्ट कहाँ चले जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको होता है और फेस करना पड़ता है और आप मैक्सिमम मिस्टेक जो कर देते हो वो कर देते हो स्पेशल फंड में। स्पेशल फंड क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एनपीओ के अंदर तो हमने देखा है दो दो बैलेंस शीट है, तो कौन सा करंट ईयर की लाइबिलिटी में होगा ये? ठीक है, ओपनिंग में नहीं, करंट ईयर यानी क्लोजिंग के अंदर। अब देखो, या तो आप इसका इन्वेस्टमेंट करोगे या तो यूज करोगे, दो ही काम कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा, पहले मैं चलो मैं पहले यूज के डिस्कशन कर लेता हूं। यूज करोगे तो खर्चा किस चीज पे यूज किया जा रहा है वो देखना पड़ेगा। कौन से वाले डोनेशन की बात कर रहा हूं मैं, किस चीज पे? ऐसा हो सकता है टूर्नामेंट फंड के लिए मिला मुझे, तो स्पेशल है ये। मुझे गवर्नमेंट पार्टी के लिए मिला, स्पेशल है मेरे लिए। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, स्पेशल, यानी कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा तो स्पेशल डोनेशन है। अगर टूर्नामेंट फंड के लिए मिला तो मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, उस ऑर्गेनाइज करवाने में मैंने पूरा स्टेडियम तैयार किया, स्टेडियम को रेंट पे लिया, चेयर वगैरह, और प्लेयर के लिए मान लो मैंने अगर क्रिकेट का मैच है तो बैट बॉल ये सारी चीज का मैंने क्या करा, अरेंजमेंट किया, उसमें खर्चा हुआ। फंड मुझे किस लिए मिला था? टूर्नामेंट के लिए। अब टूर्नामेंट का मेरे पास 10 लाख है, उसी में से मैं धीरे धीरे खर्च कर रहा हूं। क्या उस खर्चे से कोई एसेट्स बना मेरा? नहीं बना, वो तो खर्चा हुआ, टूर्नामेंट खत्म, सब भूल गए, अगले दिन से वही नॉर्मल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक मेरे को फंड मिला बिल्डिंग फंड के लिए, मैंने बिल्डिंग बनवाना तैयार किया, सारे पैसे मेरे 1 करोड़ रुपए लग गए, तो अभी बिल्डिंग रहेगा लाइफ टाइम तक, तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जो फंड मिला है उससे खर्च करने के बाद 1 साल का बेनिफिट मिलता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्पेशल फंड का अगर मैं यूज की बात बोलूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कर सकते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर सकते हो। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहां पे दो पॉइंट हो सकते हैं आपके माइंड में, या तो मैंने एक्सपेंस कर दिया इक्वल या लेस। जैसे 1 करोड़ मिला आपने खर्च कर दिया 1 करोड़, 1 करोड़ मिला आपने खर्च कर दिया 90 लाख, तो इक्वल या लेस। दूसरा हो सकता है कि आप खर्च कर दो मोर, अगर आप ज्यादा खर्च कर दोगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आपने इक्वल या लेस खर्च किया तो इस एक्सपेंस को हमें करना पड़ेगा लेस फ्रॉम किसमें से, स्पेशल फंड में से। और जो स्पेशल फंड कहां होगा हमारा? लाइबिलिटी साइड में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, लेकिन अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो जो स्पेशल फंड है आपका वो तो जीरो हो ही जाएगा, उसके बाद नेगेटिव भी चला जाएगा। आपको 1 करोड़ मिला, आपने 1 करोड़ 10 लाख खर्च कर दिए, टूर्नामेंट करवाना था आपको, 1 करोड़ रुपए में आपको निपटाना था टूर्नामेंट, फंड भी टूर्नामेंट के लिए 1 करोड़ ही मिला, आपने खर्च कितना कर दिया 1 करोड़ 10 लाख, 10 ज्यादा हो गया। तो इस केस में जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस चला जाएगा हमारा, अब इसका लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। मान लो मेरा फंड था
100 करोड़ और एक्सपेंस हुआ मेरा 90 करोड़, तो इस केस में ये तो हमारा यहां से लेस हो जाएगा और हमारे लाइबिलिटी में अभी भी हमें नजर आएगा कितने, 10 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैं इसका एग्जाम्पल लू, फंड था 100 करोड़ और मेरा एक्सपेंस हो गया सपोज करो 110 करोड़, तो लाइबिलिटी में तो बचेगा ही नहीं, लेकिन जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया मैंने वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा 10 करोड़। जो भी खर्च कर रहे हो आप, टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट के नाम से, या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो समझ में आई बात आपको? मैंने क्या फिर डिस्कशन किया, फंड बेस अकाउंटिंग, एक था जर्नल फंड। जर्नल फंड में क्या क्या हमें देखना है, या तो हमने क्या करा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा या कर दिया होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बेसिकली यूज ही किया है भाई आपने, तो उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड दिखाइए, आपका झंझट खत्म। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो एक तो एसेट्स बनेगा और उसके ऊपर जो इनकम जनरेट होगा उसको कहां शो करेंगे। मैंने यहां एग्जाम्पल में इंटरेस्ट लिया है, कुछ भी हो सकता है, इनकम डिविडेंड हो सकता है, ठीक है ना? तो वो कहां दिखाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। स्पेशल फंड के अंदर या तो आप उसका यूज करोगे या इन्वेस्टमेंट, तो यूज में भी आपको देखना पड़ेगा कि वो यूज किस पर्पस के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि खर्चा ज्यादा कर दिया या कम, माइनस होना लाइबिलिटी में से। अगर ज्यादा खर्च कर दिया तो जितना ज्यादा किया है वो कहां पहुंच जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर कम और या उसके बराबर है तो वो बैलेंस शीट में ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, फिर आप मुझे बताना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके लिए नहीं है, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं, या यहीं ले लेते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट है, ठीक है? ध्यान से आपने देखना है, फिर ये पॉइंट बस आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। मुझे एक बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला, मैंने यहां लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बेसिकली ये मैंने मैंने जो लिखा है ये है बैलेंस शीट, ठीक है? मान लेते हैं कि मुझे मिला 100 करोड़ रुपीस, ठीक है? ये करोड़ में डिजिट है, 100 करोड़ रुपीस मुझे मिला बिल्डिंग बनाने के लिए। इसमें से बिल्डिंग एक दिन में तो बन के तैयार नहीं होगा, टाइम लगेगा। और ये 100 करोड़ जब मुझे डोनेशन मिला तो और कहां दूसरी एंट्री, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर एंट्री के दो इफेक्ट, तो दूसरा बताओ कहां होगा, कैश में। जिस एस्पेक्ट को हमें एग्जामिनर को नहीं बताना, वो समझदार है, उसे पता है कि भाई कैश में है, उसके ऊपर आपको नहीं बताना, उन्हें पता है कैश में, ठीक है? इसके बाद इसमें से मान लेते हैं 60 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने, तो जैसे ही मैंने 60 लाख रुपए खर्च किया, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा हमारा यूज, मैं यूज वर्ड यूज कर रहा हूं, वैसे तो हमारा बिल्डिंग के लिए जाएगा 60 लाख, तो बच गए कितने, 40 लाख। कैश कम होगा या नहीं होगा, माइनस हो जाएगा कैश, कैश कितने से माइनस हो जाएगा, 60 लाख से, बचे कितने, 40 लाख। यहां तक समझ में आया? और नाउ 60 लाख रुपीज का एक एसेट्स क्रिएट होगा। इस वाले केस में तो एसेट्स क्रिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि खर्च हो गए खत्म, लेकिन इस वाले केस में तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। उस एसेट्स का नाम क्या है बताओ, बिल्डिंग बनाने के लिए लिया तो बिल्डिंग आएगा ना, तो बिल्डिंग है उस एसेट्स का नाम, तो मैं एसेट साइड में बिल्डिंग लिखूंगा। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब बताओ डेबिट क्रेडिट मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, इधर 40 उधर। तो जब हमारा एसेट क्रिएट होता है तो एसेट तभी बनता है जब तक कैपिटल नहीं लगाओगे। आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था, कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट होता है जो ऑनर लगाता है और उस अमाउंट की वजह से या तो गुड्स या एसेट्स खरीदता है। तो अब इसका जो ये बिल्डिंग है ये परमानेंटली किसका हो गया, उसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? तो यहां पे एक कैपिटल क्रिएट होगा, कैपिटल के अंदर, यानी डोनेशन से अलग है कैपिटल, ये 60 लाख। अब बताओ क्या कोई समस्या लग रही है आपको, नहीं लग रही, तो एक्चुअल ट्रीटमेंट ये है। आप मेरे से बार बार पूछते हो सर चलो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बन गया, चलो बिल्डिंग आ गया, लेकिन कैपिटल क्यों? क्योंकि कैपिटल क्रिएट होगा, क्योंकि आपका एसेट्स और लाइबिलिटी तभी तो बराबर होगा, आपने एक तरीके से अरेंज किया है फंड। अब देखो इधर भी 60 और 40 से एक पूरा हो रहा है और इधर भी 60 और 40,
तो मैं अभी सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। आपके माइंड में अगर थॉट आ रहा है कि इस पे इंटरेस्ट हुआ तो वो दूसरा टॉपिक मैंने लिख रखा है, अभी सिर्फ खर्चे की हम बात कर रहे हैं। आपके बुक में ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है, पवेलियन फंड के लिए उसने खर्च कर दिया, तो पवेलियन फंड प्लेग्राउंड के लिए कर दिया इस तरीके से। अब एंट्री की हम बात करें तो देखो मैंने क्या करा, कैश वाले एस्पेक्ट को क्या कवर करना है, नहीं करना। करना क्या है, डोनेशन में से माइनस, एसेट क्रिएट, कैपिटल में दिखाएंगे। ये वाला एस्पेक्ट आपको नहीं बताना एग्जामिनर को, ये ऑलरेडी वो क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट कर चुके होते हैं। तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा तो एसेट्स प्रिपेयर होगा, तो एक तो दिखाओगे कहां बैलेंस शीट के एसेट्स में, किस नाम से, नेम ऑफ एसेट। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में बताओ क्या आएगा, कितने अमाउंट का बिल्डिंग अमाउंट, 60 लाख, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन कैपिटल, समझ में आया, पहले से कैपिटल मेरा मान लो 100 लाख रुपए का था, 60 लाख का और बढ़ गया तो 160 लाख हो जाएगा, तो इंक्रीज इन कैपिटल कहां पे जाएगा, ये लाइबिलिटी में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, और कौन से बैलेंस शीट, क्लोजिंग के। दूसरा लेस फंड, जो फंड मिला है उसमें से माइनस करो, क्या सही लिखा है मैंने, आपने जब यूज किया तो माइनस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद लेस फ्रॉम बैंक, तो आपको ये वाला बैंक वाला एस्पेक्ट मैंने आपके लिए समझाया है ताकि आपको क्लियरिटी रहे, भूलो ना इस चीज को। बाकी बैंक वाला, क्योंकि बुक वाले क्या करते हैं, बैंक का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस देते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको वो दे रहा है बैंक का, इट मींस सब कुछ एड लेस करके ही बता रहा है आपको, तो इसलिए हम बैंक वाले एस्पेक्ट एग्जामिनर को नहीं बताते, ठीक है। तो ये लेस फ्रॉम फंड, किस फंड में से, जो भी फंड हो, स्पेशल फंड में से, स्पेशल फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लेस फ्रॉम बैंक इस एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे। देखो इस पॉइंट में डाउट क्लियर है, ये हर चीज को अलग 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 ट्रीटमेंट के तरीके से क्लियर करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू, इसमें से पक्का आना ही आना होगा, एक पॉइंट देगा वो, एक नंबर का दे, दो नंबर का दे, जैसे भी, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। चलिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मेरे पास फंड मिला और उस फंड को मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ टाइम के बाद करूंगा, तो घर में पैसे यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे रख के क्या फायदा, उसका एफडी करा दो या शेयर्स ले लो या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहां पे आपके कितने एस्पेक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो सबसे पहले तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेस किस में से, डोनेशन में से। भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका डोनेशन क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, आपका डोनेशन में से कम होने के बाद एक एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट एसेट्स, क्रिएट एसेट, और एसेट्स का नाम जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा। यहां पे एक्सपेंस नहीं कर रहे हम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है, एक्सपेंस तो गया वापस नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट वापस हमें मिल जाएगा, वो ज्यादा मिले कम मिले वो अलग मैटर है, लेकिन वो वापस मिलेगा। तो ये था एक्सपेंडिचर और ये है इन्वेस्टमेंट। मैंने डोनेशन कहीं इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, सबसे पहले लेस फ्रॉम डोनेशन, दूसरा क्रिएट एसेट। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, जब कुछ ना कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा, बेसिकली इंटरेस्ट। तो जब इससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो दो जगह एंट्री करेंगे, जैसे ही इंटरेस्ट मिलेगा एक तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड इन डोनेशन, ऐड इन डोनेशन, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपने रिसीव कर लिया तो बैंक में चला जाएगा, इंटरेस्ट नहीं रिसीव किया तो एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा। अगर रिसीव कर लोगे तो भाई बैंक में आ गया, रिसीव नहीं किया तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा। तो यहां पे या तो कैश के अंदर प्लस हो जाएगा या फिर आपका एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से अलग से शो हो जाएगा। कैश वाले एस्पेक्ट को नहीं करना, एक्रूड इंटरेस्ट वाले को करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो बैलेंस शीट में बना देता हूं। मान लो मेरे पास डोनेशन है, ये मेरे पास बैलेंस शीट है, डोनेशन मान लेते हैं 50 लाख का है,
इसमें से 10 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहां से माइनस होगा इन्वेस्टमेंट 10 लाख, और मेरे पास बैंक में पहले से जब मिला था तो मेरे पास बैंक में भी 50 लाख रहा होगा, तो यहां से भी माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट 10 लाख, यहां भी 40 बचा और यहां भी 40 बच गया, ठीक है। और साथ के साथ हमारा एक इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक यहां इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया 10 लाख का आ गया, ठीक है ना, वो बैंक के अंदर एक 10 लाख का चले गया, एक 10 लाख रुपए का आ गया हमारा। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, अगर इस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो एक तो हमारा डोनेशन प्लस होगा इंटरेस्ट, मान लो सपोज करो 1 लाख मिला तो 1 लाख इधर प्लस कर देंगे, दूसरा या तो बैंक में प्लस होगा या एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसे अलग से शो कर दिया जाएगा हमारा, किसना अलग से क्या शो किया जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा आपको यहां पे गलत लिख दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा इसमें से, ये 50 ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये डोनेशन लाइबिलिटी में लिखते हैं तो ये कोई पैसा वैसा थोड़ी है, ये तो बस एक वर्ड है, एक इमेजिनरी एंट्री है कि हमारे पास डोनेशन है, दिखेगा थोड़ी ना आपको बैलेंस शीट से, डोनेशन निकाल थोड़ी सकते हैं डोनेशन। इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, पैसे तो बैंक कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देखो इधर भी 50 हो गए, इधर ऑलरेडी 50 है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अगर बैंक से मिला तो बैंक में प्लस, और तो फिर थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा, ध्यान देना यहां पे क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, मैंने इसे एसेट्स मान के कर दिया, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक तो एसेट्स क्रिएट करोगे, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, दूसरा होगा लेस फ्रॉम, कहां से लेस होगा, ये बैंक से, जो हमें एग्जामिनर को नहीं बताना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पे। तीसरा इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट हुआ इस पे तो इंटरेस्ट को दो जगह ले जाएंगे, बताओ कहां कहां लेके जाएंगे इंटरेस्ट, एक तो ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, ये बैंक में, और एक डोनेशन में, एक ऐड हो जाएगा ये डोनेशन में, डोनेशन इंक्रीज हो जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट जब वो रिलीज करेगा तो बैंक में तो पैसा आ गया, तो बैंक में पैसा आएगा तो आप देखोगे अरे बैंक में तो 50 लाख के बदले 60 लाख आ गए हैं, लेकिन डोनेशन 50 है तो डोनेशन इंक्रीज होगा, और ये हमारा जो लाइबिलिटी, क्योंकि ये जो इनकम है हमारा वो कैपिटल इनकम है ना कि रेवेन्यू इनकम, अगर ये रेवेन्यू इनकम होता तो पता है कहाँ जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, जैसे कि यहाँ वाला गया था, और ये हमारा कैपिटल इनकम है इसलिए ये चला जाएगा लाइबिलिटी में, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होगा हमारा, या तो एक्रूड इंटरेस्ट, या फिर आपको पता है दूसरा क्या लिखना है, बैंक। अब दोबारा देखो, इन्वेस्टमेंट हुआ, डोनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में से माइनस, और एक एसेट्स क्रिएट, इंटरेस्ट डोनेशन में ऐड, और दूसरा बैंक में या एक्रूड इंटरेस्ट। अगर बैंक वाला पॉइंट, ये देखो ये बैंक वाला पॉइंट है और एक इंटरेस्ट बैंक वाले इंटरेस्ट का है, उसको हमें शो नहीं करना एग्जामिनर को, एग्जामिनर बोलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ या एक्सट्रैक्ट बताओ कहां जाएगा इन्वेस्टमेंट का, तो मैं बोलूंगा अगर इन्वेस्टमेंट है तो एक क्या होगा एसेट साइड में जाएगा, बस बैंक वाला एस्पेक्ट नहीं बताना है, एक एसेट्स में जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट कहां चले जाएगा, जुड़ जाएगा, किस में जाकर जुड़ जाएगा भाई, इंटरेस्ट डोनेशन में, बस दो ही एस्पेक्ट आपको एग्जामिनर को जवाब देना है, क्योंकि दो एस्पेक्ट किससे रिलेटेड है, कैश से, और वो कैश वाला ऑलरेडी डन कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अब देखें हम एक बार फिर से, मैं इसको कंक्लूड करूं अगर, तो डोनेशन हमारे इस पे फंड जो है वो दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा स्पेशल, एक होगा जर्नल। जर्नल के अंदर भी मैंने दो कैटेगरी कर लिया, या तो आप यूज करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपने यूज करा तो कोई उसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, अगर आपने सॉरी अगर यूज नहीं किया सॉरी अगर आपने यूज किया, हाँ नो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप क्या करोगे, यूज करोगे, अगर यूज किया तो कुछ नहीं करना, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखा दिया था बस वही बहुत है, अगर यूज नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ेगा तो उस पर इनकम भी आएगा, तो उसका इनकम कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब
बात करते हैं स्पेशल फंड। स्पेशल फंड के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर एक्सपेंडिचर यानी यूज हुआ तो दो जगह कर सकते हो, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो वहां दो बातें हो सकती है, या तो आपने ज्यादा कर दिया होगा खर्च या फिर कम। अगर ज्यादा किया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंच जाएगा, कम किया तो वहीं पे लेस होके बैलेंस लाइबिलिटी में बच जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वहां पे चार पॉइंट अफेक्टेड होते हैं हमारे। एक तो डोनेशन भी माइनस हो जाएगा और हमारा क्रिएट हो जाएगा कैपिटल, कैश माइनस हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा एसेट, ठीक है ना। और एक क्रिएट क्या हो जाएगा हमारा, एसेट्स। लेकिन कैश वाले एस्पेक्ट को क्या बताना है आपको, एग्जामिनर को नहीं बताना, सिंपल। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट के केस में दो ही एस्पेक्ट एग्जामिनर को बताना है। वैसे तो चार इंपैक्ट आया हमारा, एक तो कैश माइनस हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, और एक हमारा डोनेशन प्लस हुआ इंटरेस्ट के वे में, और एक अक्रूड इंटरेस्ट या कैश में कैश प्लस हो गया। लेकिन हमें बताना क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट्स आएगा, और उस एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। दूसरा, वो इंटरेस्ट कहां प्लस हो जाएगा, जाके इनकम एंड सॉरी उस डोनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें कोई डाउट है तो बताओ अब, क्लियर। तो फी क्या होता है, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है तो सब्सक्रिप्शन के अलावा भी कुछ हमारे एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलग से फीस होता है, उसे फी बोलते हैं। तो यहाँ पे फी ना दो, एंट्रेंस फी होता है दोनों, एंट्री जो लेगा जो हमारा मेंबर बनेगा उसके लिए एक फी डिसाइड होता है, पर्टिकुलर एंट्रेंस फी, उसके बाद हर साल उसे देना पड़ता है। तो एंट्रेंस फी होगा, तो एंट्रेंस फी एनुअल जो पर्सन पेड करेगा तो उसके लिए सिर्फ वर्ड होगा एंट्रेंस फीस, और जो पूरे लाइफ का एक साथ ही दे देगा उसका होगा लाइफ मेंबरशिप फी। अगर एंट्रेंस फी देता है आपको तो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको ट्रीट करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये हमारे लिए माना जाता है इनकम। लेकिन अगर सेम मैं बात करूं लाइफ मेंबरशिप फी की, तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होगा वो हमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो करना है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, लाइफ मेंबरशिप फी कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। इसको भी नोट कर लीजिए आप।